Shri Deepender Hooda. Thank you, sir. So there, as Honorable Minister has just pointed out, there are three basic features of this particular amendment which has been brought in. First relates to the extension of jurisdiction of collection of data in the state of Jammu and Kashmir as regards to the articles contained in the union list and the concurrent list. Second relates to the provision of appointing nodal officers for better collection of data, more efficiency and production of efficient and more reliable statistical information for our for government. And the third relates, the third is enabling cause. Now let me talk about each one briefly and then talk about some of the other issues. The first point is very important, sir. The government is trying to extend the jurisdiction, and government is trying to fix a legal legal lacuna which has been left out by the provisions of Collection of Statistical Act 2008, which our Parliament enacted, and also the similarly on our Parliament's instance, the Kashmir, Jammu and Kashmir Collection of Statistical Statistic Act 2010. So Kashmir is having, Kashmir ka apna ek act hai. Humne jab ye act banaya, to usme jo 1954 ka jo order hai, Jammu and Kashmir and Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 1954, uske antargat ye zaruri tha ki hum is tarah ka order banaye ki jo hai wahan ki assembly bhi usko pass kare, unhone bhi ek apna उसके बाद 2008 में यहाँ पे कानून बनाया, 2010 में वहाँ की असेंबली ने अपना कानून बनाया और वहाँ का डेटा हम लोग जो है एनएसएसओ वो डेटा ले रहा है, मगर उसमें क्योंकि वो लोग कलेक्ट करते हैं डेटा अपने प्रदेश में, तो जो यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसका डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास कोई एक लीगल प्रोविजन नहीं था, तो उस बात को एड्रेस करने के लिए आप लोग ये लेके आए. इसमें इस प्रोविजन को लेकर हमें कोई एतराज नहीं है, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि सबको आपने इसमें साथ लिया है, वहां आपकी सरकार है जम्मू एंड कश्मीर में, और सभी वहां पे आपकी गठबंधन की सरकार, आपके मुख्यमंत्री हैं, और सभी को वहां पे इसमें कोई एतराज नहीं है. तो पहली तो हम इसमें इतना कहना चाहेंगे कि हमें कोई एतराज नहीं है, मगर हम उम्मीद करते हैं आपने सबको इसमें ऑन बोर्ड लिया है, क्योंकि उस समय भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत पहले हमारी पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किया था 2008 में, और 2010 में उनकी स्टेट असेंबली ने भी सिमिलर प्रोविजंस के साथ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली, स्टेट असेंबली ने भी पारित किया था. यही हमारे जो संविधान की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत यही एक फिजेबल लीगल जो है ऑप्शन था. दूसरी जहां तक दूसरा प्रोविजन है आपका नोडल ऑफिसर्स का एफिशिएंसी का, उसको भी लेके हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है. कोई भी, हालांकि हम मानते हैं कि नोडल ऑफिसर्स आपको लगाने के लिए यहां पे पार्लियामेंट में लेजिस्लेट कराने कोई आवश्यकता नहीं थी, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से हो सकता था, मगर ये आप यहां पर लाए, कोई एतराज नहीं. मगर जो तीसरा इस बिल का महत्वपूर्ण जो फीचर है इस बिल का, और बड़े आश्चर्यजनक बात यह है, जो आपने स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस दिए हैं उनमें इस तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण फीचर है इस बिल का, उसके बारे में कोई आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में उसका नाम तक भी नहीं लिया. वो एक भाषा बदली है आपने, जिसको आप एनेबलिंग कॉज कह रहे हैं, वो जो जिस तरह की भाषा मगर बदली गई है उसको लेके हमें चिंता होती है. क्या क्या बदलाव है ये जो तीसरा बदलाव है? अभी जो एग्जिस्टिंग बिल है, जो 2008 में 8 का जो बिल था, उसमें सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें कहा गया है कि एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू द स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एनी पर्सन और एजेंसीज ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट शैल ओनली बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस. ये स्पष्ट किया गया था, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए ही जो डेटा कलेक्ट होगा एनएसएसओ द्वारा, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा. मगर उसको बदल के आपने कह दिया, अब नई भाषा, उसकी जगह नई भाषा आपने दी है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर एनी अदर पर्सन और एजेंसीज ऑथराइज अंडर दिस एक्ट शैल यूज एनी इंफॉर्मेशन फर्निश अंडर सेक्शन 6 इन सच मैनर एज मे बी प्रस्क्राइब. आपने कह दिया कि पहले क्लियर था स्टैटिस्टिकल पर्पज के लिए ही
जो एनएसएसओ का सर्वे होता था उसकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा एज प्रेस्क्राइब। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन आप ले रहे हैं, अब एज प्रेस्क्राइब इसमें बहुत से सवाल उठ के खड़े हो जाते हैं। प्रेस्क्राइब बाय होम, क्योंकि इसमें यह भी लिखा हुआ है केवल सरकार की बात नहीं है, डेटा केवल सरकार के पास नहीं होता, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एनी पर्सन और एजेंसीज ऑथराइज अंडर दिस एक्ट। आपने देखा होगा पीछे आधार कार्ड के डेटा थेफ्ट को लेके आप ही की सरकार ने एक्सिस बैंक के खिलाफ भी केस दर्ज करने पे आप लोग मजबूर हुए हो, क्योंकि वहां जो है उनके पास डेटा था, वहां से बायोमेट्रिक्स का डेटा इम्पर्सोनेशन के लिए जो है इस्तेमाल होता हुआ डेटा थेफ्ट के अंदर, और आप ही की सरकार को पुलिस में जाकर रिपोर्ट करनी पड़ी पिछले महीने की बात। तो इसमें आप पहले तो इसको आपको स्पेसिफाई करना है, हम मांग करते हैं कि पहले तो स्पेसिफिकेशन ये हो प्रेस्क्राइब कौन करे, प्रेस्क्राइब बाय होम, ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरा इसका क्या प्रयोग होने जा रहा है डेटा का, ये बात भी सरकार आज तक जो डेटा था एनएसएसओ का वो स्टैटिस्टिकल यूजेज के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता था, और ये मैं इसीलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं क्योंकि ये जो एक्ट है ये ऐसा एक्ट है एनएसएसओ का, आपने देखा होगा कि जो है जो आपके इश्तेहार आते हैं एड चलती है उसमें ये कहा जाता है कि ये डेटा आपकी सारा जो कलेक्शन किया जाएगा वो गोपनीय रखी जाएगी, जो टीवी में ऐड आते हैं दूरदर्शन पे ऐड आते हैं उसमें साफ कहा जाता है। और वो गोपनीय क्यों रखी जाएगी, क्योंकि इस एक्ट के साथ साथ ये भी प्रोविजन है कि कोई अगर डेटा नहीं देगा, अपना उपलब्ध नहीं कराएगा जो जानकारी सरकार लेना चाह रही है, या गलत जानकारी देगा तो 1000 से लेकर 15000 तक का फाइन और 6 महीने की सजा उस जो है भारतीय पे होने का प्रावधान इस एक्ट में है। तो आपको सब कुछ जो सरकार मांगे वो जानकारी देनी ही देनी है, तो ये अधिकार उन लोगों के पास होना चाहिए, हमारा मानना है कि भाई वो जो जानकारी उनसे ली जा रही है उसका क्या उपयोग आप करेगा। ये फाइनेंस बिल जैसी कहानी हो गई। ये डेटा को लेकर मैं इस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, डेटा को लेके ये जो है अब बहुत से सवाल जिनका सरकार को, एक तो इस बिल से जुड़े हुए सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए, मगर आधार को लेकर भी बड़ा बहस इस देश में हो रही है। फाइनेंस बिल में भी एक अमेंडमेंट बाद में आप लोग लेके आए थे जिसमें कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न में आधार मैंडेटरी है। आपका लक्ष्य ठीक हो सकता है मगर बिग डेटा का जमाना है, आप लोग इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आधार का डेटा पिछले महीने में सदन की जानकारी में लाने चाहूंगा, जो यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारत सरकार, उनको जाना पड़ा पुलिस के पास रिपोर्ट करना पड़ा कि 3 कंपनीज एक्सिस बैंक सुविधा और ई मुद्रा, ये लोग जो आधार का डेटा था बायोमेट्रिक डेटा वो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के लिए इन 3 बैंक्स के एम्प्लॉयज यूज कर रहे थे। इसी प्रकार से इलीगल ऑथेंटिकेशन और इम्पर्सोनेशन के लिए भी इन 3 बैंक्स के एम्प्लॉयज आधार का डेटा इस्तेमाल कर रहे थे। तो जिस प्रकार से, और आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स की बात की तरफ चले हैं, फाइनेंस बिल में भी आपने इसी तरीके से प्रोविजन कर दिया है। एक तरफ तो आप सारी जानकारी चाहते हैं लोगों से, दूसरी तरफ फाइनेंस बिल में आप ये भी जानकारी लोगों को देने के लिए जो है आपने प्रोविजन बनाया कि जो कॉर्पोरेट हाउस राजनीतिक पार्टियों को फंड और डोनेशन देती हैं, लोगों को अधिकार नहीं है उनके बारे में जानने का कि कौन कितने को कौन किसको कितनी डोनेशन दे रहा है, कौन कितना जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है। तो लोगों को तो अधिकार नहीं है ये जानने का कि किसने किसको कितना चंदा दिया, मगर आप लोगों से सारी जानकारी लेना चाहते हैं, लोगों को बताना भी नहीं चाहते क्यों जानकारी ले रहे हैं, और लोगों को यह अधिकार नहीं देना चाहते कि भाई लोग अच्छा। तो अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे फैसला करना है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डेटा एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं हमारे संविधान के अंदर। हमारी सरकार ने, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी ने यह पोजीशन ली है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट है डेटा प्राइवेसी का मगर फंडामेंटल राइट नहीं है। उन्होंने 1954 की 1962 की 2 जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजमेंट्स रखी हैं और कहा है कि भाई इसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट 2 जजमेंट ऐसी दी थी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को लार्जर बेंच को अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल राइट है नहीं। तो एक बहस चल रही है, एक प्रश्न है, मगर आज के जमाने में बिग डेटा के जमाने में डिजिटल इकोनॉमी के जमाने में, और अब आप एनएसएसओ का डेटा भी जो है स्टैटिस्टिकल पर्पज के अलावा किसी और जो है पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, ऐसे समय में मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट दे, उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर इस सदन को देना चाहिए। क्योंकि जो है मैं एक और आपको बताना चाहता हूं,
पूरे अगर हम दुनिया की जो डेटा प्राइवेसी की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज हैं उनके बारे में अगर हम उनका अध्ययन करें तो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं पिछले 5-10 साल के अंदर सब अपने अपने डेटा प्राइवेसी लॉ लाए। हमारे देश में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ अभी नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न उठ के खड़े हो रहे हैं। इसीलिए जो प्रोटेक्शन है कंज्यूमर की उसको लेके ये सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, यूरोपियन यूनियन में जो डेटा प्रोटेक्शन है, यूरोपियन यूनियन ने डेटा, पहला यूरोपियन यूनियन एक जो संगठन ऐसा बना देशों का जिन्होंने जो डेटा प्रोटेक्शन है उसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया और ईयू जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन उन्हें इनैक्ट किया। इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो अपने लेके आए, अपनी कनाडा के अंदर प्राइवेसी एक्ट के माध्यम से जो है कुछ अधिकार दिए गए। कनाडा जो कनाडा का दूसरा एक्ट है, कनाडा में दो एक्ट आ रहे हैं, एक जो सरकारी एजेंसीज जो डेटा लेती हैं और एक प्राइवेट एजेंसीज जो डेटा लेती हैं। जो सरकारी एजेंसीज डेटा लेती हैं उनके लिए प्राइवेसी एक्ट उन पर लागू हुआ और जो निजी कंपनियां डेटा कलेक्ट करती हैं लोगों से उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से वो उनका भी जो डेटा किस पर्पज के लिए लिया गया और किसके लिए इस्तेमाल किया गया उस पर एक रेगुलेशन आया गया। हमारे देश में आज कोई इस तरह का रेगुलेशन नहीं है। आधार आ गया है, आप लोग फाइनेंस बिल के माध्यम से जो है उसको और उसका विस्तार कर रहे हैं, उसका यूजेज। आज एनएसएसओ के अंदर भी आप ऐसा एक प्रावधान लेके आए हैं कि पहली बार एनएसएसओ का डेटा भी स्टैटिस्टिकल पर्पज की बजाय और भी कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जब सारे जो आप लोग जो है, मैं आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा, मगर ये जो सारे जो दिशा है, ये दिशा इस दिशा में हमें इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमें एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा डेटा प्राइवेसी के लेके हमारे देश में कि किस तरह किस कैटेगरी में डेटा आता है, जो डेटा कलेक्शन बहुत सी उसमें प्रश्न जो है उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जो बैंक से रिलेटेड डेटा है, क्योंकि अब तो बैंक अकाउंट के साथ भी आधार आए, तो वो जो एक डेटा है वो दूसरा किसान के लोन से संबंधित डेटा है, अलग अलग डेटा है, एक अपनी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है, कौन सी जो है आप डॉक्टर के पास गए क्या आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, एनएसएसओ में सब कुछ आता है, एनएसएसओ का जो आपका सर्वे होता है, और वो आप पूरी जानकारी नहीं दी जाए तो उस पर 6 महीने की सजा है जैसे मैंने आपको बताया। तो हर अलग अलग तरीके का डेटा क्लासिफिकेशन होके वो उस बात पे एक जो है एक ठोस नीति ये सरकार बनाए ऐसी हमारी मांग है, उसका कंसेंट लिया जाना है कि नहीं लिया जाना, ये आधार के समय भी प्रश्न आया था, आज भी ये प्रश्न है कि उसकी मर्जी से वो डेटा लिया जा रहा है कि नहीं। यहां तो मर्जी का सवाल ही नहीं है, यहां तो अगर मना करे कोई आप जानकारी देने के लिए तो उसपे जो है फाइन है और सजा है, तो ये कहीं नहीं। तो अब इस बात को भी आपको तय करना है कि भाई कंसेंट ऑफ डेटा सब्जेक्ट जो उसकी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि वो सारी जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा, और आप ये स्पेसिफाई करें कि नहीं करें कि किस जो है उद्देश्य से डेटा लिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने जो ये दिया है ये जो है ब्लैंकेट जो है एक चेक दे दिया है जो एनएसएसओ को, उनको ये उद्देश्य बताना ही नहीं किस उद्देश्य से वो जानकारी ली जा रही है। ये तो इतना तो अधिकार मैं समझता हूं हमें हमारे नागरिकों को देना चाहिए कि उनको पता चले कि जो जानकारी ली जा रही है ये किस उद्देश्य से ली जा रही है, ताकि आने वाले जो उनका जो उसका उसके जब आपके पास सारी जानकारी आ जाती है उस उद्देश्य की बजाय किसी और उद्देश्य में अगर वो डेटा जो है उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई जो है उसका ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म भी बना सके। तो हमारी इस बात में जो आपने ये जो एक अमेंडमेंट लाए हो, तीसरा जो पार्ट है इसका, उसको लेके हमारा सुझाव है कि इसको आप क्लेरिफाई करिए, प्रेस्क्राइब बाय होम, क्या इसके कायदे कानून बनेंगे। अभी तो आपने ओपन छोड़ दिया कि वो स्टैटिस्टिकल पर्पज नहीं और भी किसी पे जो करा जाएगा, और एक कानून लाइए डेटा प्राइवेसी पे, एक आप बड़ा कानून लाइए। दूसरी बात मैं एनएसएसओ के बारे में भी कहना चाहता हूं, एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तीनों जो हिस्से हैं, एनएसएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, कंप्यूटर सेंटर सीसी, 1950 में पंडित नेहरू जी ने जब प्लानिंग कमीशन और अर्थव्यवस्था की प्लानिंग की बात आई और देश की जो नीतियां हैं, नीतियों बनाने के लिए देश में किस प्रकार का जो है व्यवस्था है उसके बारे में आंकड़े ठोस होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, उन बातों को लेकर इनका गठन किया गया था। और बहुत लंबे समय तक इन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश की प्लानिंग के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की प्लानिंग के लिए, देश की नीतियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। मगर अब इसका रिव्यू भी
मैं समझता हूं कि आज ये आप बिल लेके आए हैं तो एनएसएसओ में किस प्रकार से जो सर्वेज है उनमें क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में भी अभी चर्चा करने की हमें आवश्यकता। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, एनएसएसओ के जो सर्वेज थे, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन का टाइम पीरियड 5 साल था शायद, उन और प्लानिंग कमीशन 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश की करने में जो है काफी लंबे समय तक की, उस हिसाब से एनएसएसओ के भी जो सर्वे उनका भी 5-5 साल में सर्वे 5 साल में एक बार करने का प्रावधान, जैसे इंप्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे एनएसएसओ 5 साल में एक बार करता, सोशल कंजम्पशन सर्वे 5 साल में एक बार, अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सर्वे 5 साल में एक बार, सर्विसेज सेक्टर 5 साल में एक बार, लैंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट ये 10 साल में एक बार, ओपन राउंड सर्वे ये 2 साल में होता। तो एनएसएसओ के लगभग सर्वे 5 साल में एक बार होते हैं और इन बातों को मैं बारी बारी सदन में उठाता रहा हूं। और मुझे जो है अभी पिछले दिनों जो हमारे कृषि मंत्री हैं, मैं उदाहरण के तौर पे उनका भी वक्तव्य का जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने भी राधामोहन जी ने भी बात उठाई कि जो 10 साल में एक बार सर्वे हो रहा है एग्रीकल्चर का एनएसएसओ का, वो जो है पर्याप्त नहीं, वो पर्याप्त जानकारी शॉर्ट ड्यूरेशन होने चाहिए, ताकि अब जो है 10 साल में कितना समय बीत जाता है, कितने बजट आ जाते हैं, कितनी पॉलिसीज बन जाती हैं। तो उन्होंने 5 साल की मांग करी थी, मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वे है, जो एनएसएसओ का सबसे महत्वपूर्ण सर्वे माना जाता है, वो इम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है। इसकी तरफ मैं विशेष तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था, जो अर्थशास्त्री आपको बताएंगे, तीन बड़े आंकड़ों के ऊपर कोई भी आर्थिक नीतियां किसी देश की तय की जाती है। एक विकास दर, आर्थिक विकास दर, दूसरा महंगाई का क्या दर है देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, और तीसरा बेरोजगारी का क्या दर है। इन बातों को लेके आर्थिक नीतियां किसी भी देश की बनती हैं। अगर हम देखें, नजर घुमा के पूरे विश्व में देखें, तो पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर केंद्र बिंदु विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों की कोई इन तीनों आंकड़ों में भी एक आंकड़े पे के जो है फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, तो वो है बेरोजगारी दर। हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखें, अमेरिका की तरफ देखें, वहां पे हर महीने बेरोजगारी दर कितनी, पिछले महीने में कितने नए रोजगार उनकी अर्थव्यवस्था में आए, उस पर आंकड़ा आता है हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल, कि इतने जो है पिछले एक महीने के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी 0.1% बढ़ी, इतने लोग बेरोजगार हुए। इसी वहां पे ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स अमेरिका के अंदर ये काम करता है, जिस तरह से हमारा एनएसएसओ है, उनका ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स है, वो हर महीने सैंपल सर्वे करते हैं और उसके आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पर अमरीका अपनी आर्थिक नीतियां तय करता है। वहां का जो रिजर्व बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर, सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि घट रही है। इसी तरीके से हम यूरोप देखें, वहां यूरोस्टैट है, यूरोस्टैट भी हर क्वार्टर के अंदर, हर महीने के अंदर यही आंकड़े जो है यूरोपियन इकोनॉमी के, यूरोपियन यूरो के देशों के सामने प्रस्तुत करता है, और वो देश इन आंकड़ों के आधार पर उनको केंद्र बिंदु मानते हुए अपनी आर्थिक नीतियां तय करते। हमारे देश में क्या परिस्थिति है, हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने की कहीं पे अगर बेरोजगारी की तरफ आवश्यकता है, तो हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में 80% जनसंख्या आज 2017 में 18 से 60 साल के बीच में जो वर्किंग एज मानी जाती है, 80%, 2020 में औसत आयु हमारे एक भारतीय की 29 वर्ष होगी, और यही कारण था कि हमने भी अपनी सरकार के समय इस बात को लेके प्रमुखता से प्रयास किया, और आपने भी वायदे किए प्रमुखता से कि 2 करोड़ नौकरी हर साल हमारी अर्थव्यवस्था, 2 करोड़ नौकरियों का आपने वायदा किया, मगर अब उस वायदे को हम किस आंकड़े के आधार पर देखें, जनता देखे, जनता को अधिकार, आपने वायदा किया, मगर जनता को अधिकार है इस बात को का आकलन करने के लिए कि उस वायदे में आप कितने सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। मेक इन इंडिया में का उद्देश्य आपने ये दिया कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य यह है कि नौकरियां आएंगी, रोजगार आएंगे, तो जनता को अधिकार है, हमारी नौजवानों को अधिकार है देखने का कि कितना आप उसमें सफल हो पा रहे होंगे, क्या परिस्थिति है। मगर बाकी देश तो हर महीने आंकड़ा निकालते हैं, हर क्वार्टर निकालते हैं, हर वर्ष निकालते हैं आंकड़ा, और उन आंकड़ों के आधार पर अपनी आर्थिक नीतियां तय करते हैं। हमारे देश में पहले तो एक ही सर्वे होता था एनएसएसओ का, जो 5 साल में एक बार
जो है अपना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देता था, अगला एनएसएसओ का सर्वे 2020 में होने जा रहा है। मतलब आपने सोच समझ के 2 करोड़ नौकरी बोली कि भाई 2019 में एनएसएसओ का सर्वे ही नहीं, 2020 में सर्वे होगा एनएसएसओ का कि भाई कितनी। तो दूसरा हमारे जब हमने अपनी सरकार में बात उठाई, उस समय लेबर ब्यूरो लेबर डिपार्टमेंट ने एक वार्षिक सर्वे शुरू किया, वो वार्षिक सर्वे भी आ रहा, मगर इन सर्वेज में भी अलग अलग बातें आ रही। मैं उदाहरण दे रहा हूं, एनएसएसओ ने 2009-10 में बताया 2% अनएम्प्लॉयमेंट, 11-12 में 2.2%, और लेबर ब्यूरो ने यह बताया 2009-10 में 9.4% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी दर है, और 2011-12 में 3.8%। हम कौन सा माने? अभी एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कि पिछले एक वर्ष में 2009 के बाद सबसे ज्यादा अगर जो है जॉब लॉस बेरोजगारी बढ़ी है तो पिछले 2016 में बढ़ी। तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने वायदा तो था ये था, मगर आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 2009 में सबसे ज्यादा जॉब लॉस हो रहा है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी एक एस्टिमेट दिया आईएलओ ने कि जितने भी ये ब्रिक्स की देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनमें एक ही अकेला भारत एक ऐसा देश है कि 2017 और 18 दो वर्ष में लगातार अभी उनका अनुमान है कि बेरोजगारी दर और बढ़ने वाला है। उनका आंकड़ा अलग है, वो 8.4 और 9.4 का आंकड़ा दे रहे हैं अगले दो वर्ष में हमारी बेरोजगारी दर देश में और बढ़ने जा रही है, आईएलओ ने कहा। मेरा मन कहता है कि उसको आईएलओ का जो आंकड़ा है उसको मैं कोट करूं यहां पे सदन में और सरकार को अकाउंटेबल मानूं। उससे बढ़िया कोई भारत देश का कोई आंकड़ा ऐसा हो, आपकी सरकार का कोई आंकड़ा ऐसा हो, वो आप यहां पे लाएं। और उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे वित्त मंत्री जब बजट पेश करें वो जीडीपी ग्रोथ और उस वजह की बजाय वो इस बात को सबसे पहले कहें अपने बजट में कि पिछले एक वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में 2 करोड़ नहीं तो 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न हम कर पाए, और वो जो है वो आंकड़ा मगर होना चाहिए, तभी हमारी आर्थिक नीतियों की केंद्र बिंदु रोजगार और रोजगार दर बनेगा। तो मैं समझता हूं ये जो सुझाव हमने दिए हैं माननीय मंत्री जी, इन सुझावों को जो है सब माने। एनएसएसओ को रिवैम्प करने की जरूरत है, 5 साल में एक बार सर्वे, आजकल कनेक्टेड हम दुनिया में चल रहे हैं, 1 मिनट में सर्वे हो जाता है, सब वेरी वेल कनेक्टेड है, तो उसका कोई मायना नहीं। इतने 10 साल में आप एग्रीकल्चर का सर्वे करते हैं, इतने आर्थिक नीतियां बदलती है। राधा मोहन जी ने भी आपसे वही आग्रह किया, हम वो आग्रह करते हैं। और हम जो डेटा की बात है, डेटा प्राइवेसी पे एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं कि एक नया लॉ, एक लेजिस्लेशन आप लेके आए डेटा प्राइवेसी पे, ताकि कोई जो है ये जो सारे प्रश्न उठ रहे हैं देश में उनका सही मायने से आप उत्तर दे सकें। धन्यवाद।